हे गाइज, आई एम रश्मि। आई वेलकम यू ऑल ऑन माई यूट्यूब चैनल कोम्बली स्किन। गाइज, आज आपके सामने मैं रिव्यू करूंगी बायोटिक बायो एलोवेरा सनस्क्रीन का, जो हमें मिलता है SPF 30 प्लस में। ये सनस्क्रीन है फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन। ये सनस्क्रीन प्रिवेंट करता है हमें सन की UVA एंड UVB दोनों टाइप की रेस से। इसमें है 30 प्लस सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर। गाइज, बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की। ये हमें एक बोतल पैकेजिंग में मिलता है लाइक दिस। गाइज, हमें ये मिलता है 120 ml फॉर 290 rupees। गाइज, इसे आप बाय कर सकते हैं किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से। ये किसी भी ब्यूटी स्टोर में भी आपको मिल सकता है इजीली। बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट की। ये बना हुआ है बहुत ही अच्छे हब से लाइक घृत कुमारी जेल मीन्स एलोवेरा जेल, यशद भस्म, सूरजमुखी ऑयल, वाइट सैंडलवुड ऑयल, कुसुम्बी ऑयल एंड बी वैक्स से। गाइज, जैसे आपको पता ही है एलोवेरा जेल हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा नरिशमेंट का काम करता है। ये हमारी स्किन के वन एंड ऑल एक जेल की तरह काम करता है। यशद भस्म हमारी स्किन में सीबम प्रोडक्शन को कम करता है। सूरजमुखी ऑयल के बहुत सारे फायदे हैं लाइक ये हमें एक नेचुरल सन प्रोटेक्शन फैक्टर देता है। ये सन डैमेज से होने वाली जो स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं उनको रिजॉल्व करता है। वाइट सैंडलवुड ऑयल है हमारी स्किन में जो ऑयल सेक्रेशन होता है उसको कम करता है और ये ऑयली एंड नॉर्मल स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है। गाइस, कुसुम्बी ऑयल जो है वो हमारी स्किन को ड्राई नहीं होने देता, ये उसे एक सूदिंग एंड सॉफ्ट अपीयरेंस देता है। गाइस, इस प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट्स लिस्ट मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी और अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं ऑनलाइन तो उसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, आप प्लीज़ वहाँ से चेक कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, अब मैं इसको आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरह से ओपन होता है। कुछ इस तरह का इसका टेक्सचर होता है, लाइट क्रीमी शेड में होता है ये। देखिए कुछ इस तरह से। ये एक रनी कंसिस्टेंसी में मिलता है। ये बहुत ज़्यादा थिक फॉर्मूला नहीं है गाइस, बट ये नॉन स्टिकी बिल्कुल भी नहीं है। आपकी ऑयली स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल सनस्क्रीन है ये, क्योंकि ऑयली स्किन वालों को अक्सर प्रॉब्लम होती है कि जो भी सनस्क्रीन मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो सारे ऑयली ही होते हैं, बट ये सनस्क्रीन ऑयली नहीं है और एक नॉन ग्रीसी फॉर्मूला है ये एक। बस ये थोड़ी देर आपके स्किन में थोड़ी देर ब्लेंड हो जाएगा। गाइस, अब बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की। बात करते हैं पहले इसके प्रोज की। तो मुझे सनस्क्रीन काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि ये ऑयली स्किन के लिए बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। आपकी स्किन में ऑयल के सेक्रेशन को कंट्रोल रखता है, उसे बहुत ज़्यादा देर तक ऑयली फील नहीं होने देता। बस इसका कॉन्स ये है कि अगर आप 2 or 3 hours इसको वियर करके रखते हैं तो थोड़ी देर बाद ऑयल सेक्रेशन स्टार्ट हो जाता है, बट ये आपकी स्किन पर एक हेल्दी एंड फ्रेश ग्लो रखता है। गाइस, इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही रनी है, वो ईजिली आपकी स्किन में ब्लेंड नहीं होती है। आपकी स्किन में ब्लेंड होने के लिए थोड़ा सा टाइम लेता है। इसको अप्लाई करने के बाद आपको 1 to 2 minutes या 2 to 3 minutes लग जाते हैं स्किन में ब्लेंड होने के लिए। इसकी अच्छी बात ये है गाइस कि ये अगर आप रेगुलरली अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ दिनों बाद आप नोटिसेबल डिफरेंस देखेंगे अपने स्किन टोन में। ये आपकी स्किन को फेयरर करता है, आपके स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है और स्किन को एक हेल्थी ग्लो भी देता है। मुझे ये सनस्क्रीन इसलिए भी पसंद है क्योंकि ये बना हुआ है 100% बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट से। ये बहुत ही हर्बल और अच्छा, बहुत ही अफोर्डेबल एंड रीजनेबल प्राइस पर मिलने वाला सनस्क्रीन है जो हमें इजीली कहीं पर भी मिल सकता है, किसी भी जनरल स्टोर, किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पर। तो गाइज, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपके मुझसे कुछ सवाल हैं, आपकी कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका रिप्लाई करने में मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।